तो आज मैं लेक्चर 2 लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज़ में, ठीक है। और आज मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बताऊँगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेड फंक्शन कैसे होता है, तो उन्हीं के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूँगा। तो मैंने टेलीग्राम में एक चैनल बनाया हुआ है, अगर आप मैथ लॉग CSR नेट सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में से और कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कल मेरे से एक गलती हो गई थी, यहाँ पे ओमेगा में मैंने आई को मिस कर दिया था। और कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में दर्शा सकते हैं, जो कि एक्स प्लस आई ओटा वाई और आर इंटू ई रेस्ट बार आई थीटा, इन दो टाइप्स में हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और मैंने बताया था कि मॉड ले लेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। सो इसका वैल्यू आर हो गया। अगर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये क्या दर्शाता है, एक यूनिट सर्किट दर्शाता है। अगर आप मॉड जेड इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ये क्या दर्शाता है, एक सर्किट जिसका रेडियस 2 है, ठीक है, ये रेडियस को दर्शाता है। अब देखिए, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक सर्किल जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट है और रेडियस आर है, ठीक। तो ये जनरल फॉर्म हो गया किसी भी सर्किल के लिए, ठीक। आप यहाँ से फिगर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ तो मैंने ये भी बताया था कि आर का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई ओटा वाई और पोलर फॉर्म में आर इंटू ई रेस्ट पावर आई थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग जेड का कॉन्जुगेट ले लेंगे, मतलब कि जेड बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस आई इंटू वाई, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस आई है वो माइनस हो जाता है, ठीक है, बार लेने पे। और पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर इंटू ई रेस्ट पावर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस आई थीटा, ओके। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जेड और जेड बार को, तो हमें क्या मिलता है, देख लीजिए, जेड इंटू जेड बार, तो कार्टेशियन फॉर्म में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, और पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर। अब जो जेड इंटू जेड बार होता है उसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इसका वैल्यू तो हमें पहले मिल चुका है आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोगों को मिलता है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पोलर फॉर्म में आर, ठीक। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब चलिए और कुछ पॉइंट को हम लोग बेसिक में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट बार आई थीटा, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है, ठीक। अब अगर हम लोग आर इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट जो कि कहाँ रहता है, यूनिट सर्किल में। अगर थीटा को हम लोग 0 से 2 पाए तक हम लोग इसको मूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक। अगर मान लीजिए थीटा को हम लोग 0 से पाई तक ही इसको लिमिट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस्ट बार आई थीटा, मतलब कि आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आर क्या होता है, रेडियस होता है। और अगर हम लोग थीटा को यहाँ 0 से 4 पाई तक लिमिट करेंगे तो यह क्या बनेगा, देखिए ये एक सर्किल बनेगा जिसका रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है, रेडियस 2 हो गया और सेंटर यहाँ पे 0 होता है, मतलब ओरिजिन होता है, और थीटा का वैल्यू 0 से 4 पाए, मतलब कि एक बार अगर घूमेंगे हम लोग सर्किल में तो 2 पाए और एक बार घूमना पड़ेगा तब 4 पाए, मतलब कि दो बार राउंड करना पड़ेगा तब थीटा 0 से 4 पाए होगा, समझ गए। ये भी आगे आपको काम आएगी कि थीटा का वैल्यू 2 पाए है, 3 पाए है, 4 पाए, कितना बार घूम रहे हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, समझ गए। देखिए, फंक्शन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो डोमेन है, कोडोमेन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, मतलब कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, जहाँ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यू क्या है, एक फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक, और बी भी एक रियल फंक्शन है, दोनों यू और बी क्या है, रियल फंक्शन है, दोनों ही एक्स वाई का फंक्शन है। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, ठीक, ये फंक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वो बाउंडेड है या नहीं है,
लिमिट पढ़ते हैं फंक्शन का, आपने रियल में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। लिमिट के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्टीन्यूटी पढ़ते हैं, फिर डिफ्रेंशिबिलिटी पढ़ते हैं रियल में। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम लोग डिफ्रेंशिबिलिटी के बाद और एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि कहलाता है एनालिटिक फंक्शन। ओके, हम लोग आज की लेक्चर में सिर्फ कॉन्टीन्यूटी तक पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिबिलिटी और एनालिटिक आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, तो उससे हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपने रियल में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से कुछ कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नेचर कुछ अलग होता है रियल के फंक्शन के कंपेरिजन में, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी लिमिट के आप फॉर्मूला जानते हैं या मेथड जानते हैं रियल में, वही सब यहाँ भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों को लिमिट एट जेड नॉट पता करना हो किसी फंक्शन का, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जेड नॉट एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में कोई भी कर्व हम लोग यहाँ पे अगर टेंड करता है, तो मतलब कि फॉर ऑल जेड टेंड्स टू जेड नॉट, जो फंक्शन एफ जेड है वो किस ओर जाना चाहिए, एल की ओर जाना चाहिए, जहाँ एल एक लिमिट कहलाता है और एल हमेशा यूनिक होना चाहिए, तब जो एल है वो फंक्शन का लिमिट कहलाएगा इस पॉइंट में जेड नॉट में, ठीक। ये तो काफ़ी बेसिक था, आपने रियल में भी पढ़ा होगा सेम इसी प्रकार से। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, जेड इसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, जेड का वैल्यू जीरो बैठा दीजिए। लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो ई जेड, तो हम जैसे कि रियल में पढ़ें ई एक्स का वैल्यू अगर जीरो में टेंड करेंगे तो क्या मिलता है, ई जीरो, और ई जीरो का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ भी ई रेस्ट पावर जीरो का वैल्यू वन होगा, ठीक। सेम उसी प्रकार से जैसे रियल में पढ़ा था जेड टेंड्स टू जीरो साइन जेड बाय जेड, क्या होता है, वैल्यू वन होता है। और यहाँ पे देख लीजिए जेड टेंड्स टू जीरो जेड क्यूब प्लस टू जेड अपॉन में जेड माइनस टू, देखिए दोनों पॉलीनोमियल हैं और यहाँ पे जो पावर है ऊपर में मैक्सिमम पावर थ्री है और यहाँ पे नीचे में डिनोमीटर में मैक्सिमम पावर क्या है वन है, तो ऊपर में ज़्यादा है इसलिए इसका लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, जैसे कि आपने रियल में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड इंटू साइन वन अपॉन जेड, अगर हम लोग रियल में इसका लिमिट को निकालने चाहें, जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन वन बाई जेड वन बाय एक्स, तब क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि रियल में साइन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है माइनस वन टू वन, इसीलिए बाउंडेड और नल सिक्वेंस क्या होता है, नल सिक्वेंस होता था। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जो साइन फंक्शन है वो क्या है, अनबाउंडेड होता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड होता है कॉम्प्लेक्स में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रियल में साइन जेड कॉस जेड क्या होता है, बाउंडेड होता है। सो यहाँ पे ये बाउंडेड तो है नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और साथ ही साथ अगर आप इसे कार्टेशियन या पोलर फॉर्म से भी आप लिमिट को निकाल सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो मॉड जेड, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, सिंपली आप जीरो को पुट कर दिए जेड के जगह में। अगर आप इसे पोलर फॉर्म से निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर इंटू आई थीटा ई रेस्ट पावर आई थीटा, और लेकिन ई रेस्ट पावर आई थीटा ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए आर को ही जीरो होना पड़ेगा, और मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है, आर होता है। सो ये लिमिट आर टेंड्स टू जीरो आर, ये हो गया लिमिट और इसका वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आप कार्टेशियन में भी चेंज करके इसका लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो और मॉड जेड का वैल्यू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो सिंपली जीरो जीरो पुट कर दीजिए तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी जाएगा जीरो, ठीक। तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसको कार्टेशियन या पोलर फॉर्म में चेंज करके भी लिमिट निकाल सकते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रियल फंक्शन में पढ़ा था रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे हम लोग लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते थे, सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ फंक्शन के रूल जैसे याद रखिएगा, जैसे कि साइन जेड कॉस जेड अनबाउंडेड होता है, ठीक। तो लिमिट को समझ लिए, अब चलिए कॉन्टीन्यूटी को समझते हैं। तो लिमिट और कॉन्टीन्यूटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि एफ जेड को कहाँ टेंड होना चाहिए, एल में, तो बस एल को यहाँ पे अगर एफ जेड नॉट ले लें तो ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है लिमिट और कॉन्टीन्यूस में। देखिए सिमिलरली वही है, फॉर ऑल जेड टेंड्स टू जेड नॉट,
देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंस, जितने भी ये प्रॉपर्टी होते हैं वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होते हैं। हम लोग किसी पॉइंट के लिए चेक करते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे। मान लीजिए जेड नॉट के लिए चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे फॉर ऑल जेड टेंड्स टू जेड नॉट, जो एफ जेड कहाँ टेंड होना चाहिए, एफ जेड नॉट में टेंड होना चाहिए, तो एफ जेड नॉट इसका लिमिट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, एफ जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ जेड नॉट होना चाहिए, तब ये फंक्शन जेड नॉट में कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने रियल में पढ़ा था साइन, कॉस, पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है सेम, साइन जेड, कॉस जेड, पॉलिनोमियल ऑफ जेड, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ई रेस्ट टू पावर जेड या ई रेस्ट टू पावर पॉलिनोमियल ऑफ जेड, ये सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, तो एफ जेड अपॉन जी जेड ये भी कॉन्टिन्यूस होगा जेड नॉट में, अगर जो डिनोमेटर फंक्शन है वो जेड नॉट में नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसे देख लीजिए, जेड स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन में ई रेस्ट टू पावर जेड। अब देखिए किसी भी पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि जो डिनोमेटर है यहाँ पे है ई रेस्ट टू पावर जेड, ये तो कभी भी जीरो के इक्वल तो होता नहीं है रियल में भी और यहाँ भी, तो डिनोमेटर कभी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, और बाकी दोनों ही यहाँ से कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जेड स्क्वायर अपॉन ई जेड ये भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक। अब देखिए इस फंक्शन को देख लेते हैं, साइन जेड अपॉन जेड, अगर इसको जीरो में चेक करना चाहे तो हम जानते हैं कि लिमिट इसका जो वैल्यू होता है जीरो में वो क्या होता है, वन होता है, ठीक। अगर इसका फंक्शनल वैल्यू भी जीरो में हम लोग वन ले लेंगे, मतलब कि जेड इज इक्वल टू जीरो में अगर इसका फंक्शन वैल्यू वन ले लेंगे, तो ये फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड ये भी जीरो में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और बाकी हर एक पॉइंट में ये तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, ठीक। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये दो एग्जांपल मॉड जेड और जेड बार, ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि मॉड जेड, जेड बार ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि ये डिफ्रेंशिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तक क्लियर है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो आप यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक। तो बस कॉन्टिन्यूटी में इतना ही था, जैसे जैसे मैं आगे और लेक्चर बनाते जाऊँगा वहाँ से आपको और क्लियर होते जाएंगे, अभी के लिए इतना ही इनफ है। तो चलिए अब पी वाई को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। देखिए ये एक ही क्वेश्चन था जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से आया हुआ था, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ जी जो कि सी टू सी में है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ जेड क्या है, ई जेड है, और जी जेड क्या है, ई रिश्ते पर आई जेड है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को एक सेट दिया हुआ है एस, जो कि है जेड बिलोंग्स टू कैपिटल सी सच दैट रियल ऑफ जेड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई। रियल ऑफ जेड क्या होता है, देखिए जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, मतलब कि रियल ऑफ जेड क्या होता है, एक्स होता है, अगर इमेजिनरी ऑफ जेड लिखते हैं तो वाई होता है, ठीक है, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल ऑफ जेड यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस पाई टू पाई में ही लाई करता है इस सेट में एस में, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में क्या गया है, एफ इज एन ऑन टू एंटायर फंक्शन, तो एंटायर फंक्शन तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे अगर इसे नहीं समझते हैं फिर भी ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको अगर बाउंडेड चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए हम लोग इसी एग्जाम्पल समझते हैं ई जेड, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सो अगर इसको बाउंडेड चेक करना है तो हम लोग मॉड में चेक करेंगे। तो सबसे पहले मॉड ले लेते हैं, अगर ये मॉड से छोटा होगा मतलब कि बाउंडेड होगा तो ये क्या कहलाता है, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। तो यही हम लोग को चेक करना है कि इसका जो मॉड है वो बाउंडेड है या नहीं है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि ई जेड को क्या लिख सकते हैं, हम लोग कार्टेशियन में चेंज करेंगे जेड को, तो जेड को लिखते हैं एक्स प्लस आईटा वाई और यहाँ पे मॉड। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स इन टू ई आईटा वाई, मॉड था ही, ठीक है। अब देखिए x तो एक रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन में ये पॉजिटिव नंबर भी है ई एक्स, हम लोग जानते हैं कि ई रिश्ते एक्स
कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह से, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो मॉड से बाहर में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए ई एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर आई वाई, ई एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर आई वाई, ये मॉड में था तो ये मॉड से बाहर आ जाएगा ई एक्स। अब देखिए ये क्या है, ई रेस्ट टू पावर आई वाई मॉड में, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि e के पावर में i से अगर रियल में मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, एक रियल है, सो इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सो इसका वैल्यू मिल गया हमें e रेस्ट पावर x इंटू 1, मतलब कि e रेस्ट पावर x, ठीक है। अब देखिए जो ये फंक्शन है ई जेड, उसको बाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए, इसे बाउंडेड होना चाहिए, e रेस्ट पावर x को बाउंडेड होना चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए f इज बाउंडेड ऑन s, s क्या है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई है, मतलब कि यहाँ माइनस पाई है, यहाँ पे पाई है, तो इसके बीच में लोग को चेक करना है। तो e रेस्ट पावर x आ गया, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ इस रेंज में माइनस पाई टू पाई में जो ये फंक्शन है e रेस्ट पावर x, ये क्या है, बाउंडेड है, मतलब कि एफ जेड भी बाउंडेड हो गया है एस में, ठीक है। लेकिन अगर एस नहीं कहता, सी कहता, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन कहता, तो ये बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर एक्स बाउंडेड तो है नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कीजिए तो ये भी इन्फिनिटी की ओर भागेगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया एस, ठीक है, तो एस में तो ये बाउंडेड हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। जैसे कि ये पार्ट बी में है तो आपको और चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बताऊँगा हर एक ऑप्शन को, ठीक है। तो जी को चेक कर लीजिए, जी इज बाउंडेड ऑन एस, तो जी को फिर वही करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो यहाँ पे मॉड ऑफ, यहाँ पे फंक्शन क्या है, ई इंटू सॉरी आई इंटू जेड, ये है, इसको मॉड ले लीजिए। अब जेड को कार्टेशियन में लिखिए, यहाँ आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, ये मॉड में आएगा, ठीक है, ये फंक्शन था मेरा। यहाँ पे आई इंटू जेड करेंगे तो आई यहाँ पे x प्लस आई वाई मॉड, ठीक। अब देखिए ये हो गया आई एक्स और आई इंटू आई माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू वाई मतलब कि माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे माइनस वाई, ठीक। ये आ गया हम लोग के पास e रेस्ट बार आई एक्स इंटू e रेस्ट बार माइनस वाई। अब देखिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पे है e रेस्ट बार आई इंटू एक्स, एक्स क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हम लोग जानते हैं कि रियल फंक्शन होता है और साथ ही साथ पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका, तो ये वन होता है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई, ये इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि ई रेस्ट टू द पावर आई जेड ये इक्वल हो गया इसके इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, अगर ये बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड होगा, अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये भी बाउंडेड नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या क्या आ गया, जी इज बाउंडेड ऑन एस, तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो जो ये फंक्शन है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया इज बाउंडेड ऑन एस, तो एस मान लीजिए यहाँ पे है माइनस पाई टू पाई, तो देखिए इस रेंज में फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि देखिए ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन एस में बाउंडेड नहीं होगा, नीचे तो बाउंडेड है, यहीं तक आकर रुक जाता है, लेकिन ऊपर ये चलते रहेगा, सो ये बाउंडेड नहीं, सो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। अब देखिए जी इज बाउंडेड फंक्शन नॉन सी, अगर एस में ही बाउंडेड नहीं है तो सी में कैसे बाउंडेड होगा, सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन ए देख लीजिए, एफ इज एन ऑन टू एंटायर फंक्शन, ऑन टू का क्या मतलब होता है कि जो फंक्शन है वो कोडोमेन से हर एक वैल्यू लेगा, तो एंटायर में क्या होना चाहिए, कोडोमेन सी होना चाहिए, तो जो ई जेड है क्योंकि एफ के बारे में पूछा गया है तो ये ऑन टू क्यों नहीं होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि ई जेड का वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, सो कोडोमेन से जीरो कभी भी ये अटेन नहीं कर सकता है किसी भी जेड के लिए, सो ये ऑन टू तो कभी नहीं होगा, क्लियर है, सो ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। सो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही हम लोग समझे, हम लोग फंक्शन समझे, लिमिट समझे और कॉन्टिन्यूटी समझे, और साथ ही साथ बाउंड्री कैसे चेक करना है ये भी समझ लिए। आगे के लेक्चर में हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एनालिटिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।